दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो पिछले 24 वर्षों से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। आज विशेष बात और विशेष बात यानी जश्न मनाने जा रहे हैं, जश्न इस बात का कि वर्ष 2017 समाप्त होने जा रहा है और आगाज होने जा रहा है वर्ष 2018 यानी नव वर्ष। तो दूरदर्शन की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके जीवन में खुशियां आए। तालियां जोरों से बजाइए अपने लिए। आप एक कहावत है, इफ योर आईज आर पॉजिटिव यू विल लव द वर्ल्ड, इफ योर आईज आर पॉजिटिव यू विल लव द वर्ल्ड, बट इफ योर टंग इज पॉजिटिव द वर्ल्ड वुड लव यू, द वर्ल्ड वुड लव यू। और जब हम नए वर्ष की बात करते हैं, जश्न की बात करते हैं, तो ऐसे अवसर होते हैं आत्मावलोकन के। हम ये देखें क्या खोया और क्या पाया, क्या हमारी डिजायर्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी तमन्नाएं हैं, कितनी पूर्ण हुई और कितनी अधूरी रह गई। जीवन प्रकृति या कुदरत की सबसे बड़ी नियामत हम व्यर्थ में गंवा देते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल इस जहान में अवतरित होते हैं और बिना अपना इम्प्रिंट या अपनी उपस्थिति दर्ज कराए यहां से प्रयाण कर जाते हैं। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या मंतव्य है प्रभु का? कोई तो मंतव्य रहा होगा जब करोड़ों करोड़ लोग हैं फिर भी आपको अवतरित किया। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हम कोई ऐसा कृत्य करें जिससे हमारा जीवन सार्थक हो। चाणक्य ने कहा है कि 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भी यदि कोई व्यक्ति देने को तैयार हो तो भी जीवन का एक क्षण नहीं मिल सकता। मृत्युशैया पर कोई हो कि मैं पूरा दान कर दूंगा, मैं दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति हूं, लेकिन एक क्षण भी हम नहीं खरीद सकते। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम कितने वर्ष जिए इसका कोई महत्व नहीं, लेकिन उन वर्षों में जीवन कितना डाला हमने, कितना आनंद प्राप्त किया और हमारे कारण और लोग कितने आनंदित हुए, कितनों के चेहरों पर मुस्कान आई, कितने लोग खुशियों से पागल हो गए। बस यही प्रयास करेंगे, अगर यही सोचेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इस संकल्प के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप, जोरदार। देखिए जब हम प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं तो हिंदुस्तान का लोकप्रिय अखबार दैनिक भास्कर वो सदैव तत्पर रहता है। वो ये कहता है कि हमारे जो पाठक हैं वो प्रश्नोत्तरी का जिक्र करते हैं, बात करते हैं। हमारा जो भास्कर वीमन क्लब है, महिलाओं का जो क्लब है, उनकी सदस्याएं कई गतिविधियां हम करते हैं, लेकिन वो कहते हैं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम करवाइए, हम उनमें जाएंगे। शहर की कई संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, उन्होंने कहा हम भी जुड़ना चाहेंगे। हमने कहा 200 लोग उससे अधिक संभव नहीं है स्टूडियो में पधार सकें, आनंदित हो सकें। तो हमने SS जैन सुबोध BEd कॉलेज और श्री भवानी निकेतन BEd कॉलेज उनसे कहा कि आप पधारिए। तो आप भास्कर वीमेन क्लब के जितनी भी सदस्याएं हैं, मेंबर्स हैं, और दोनों कॉलेजेस के एक बार इस जश्न के लिए गुंजा दीजिए इस स्टूडियो का। और जब हम जश्न की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, हमारी परंपराओं रीति रिवाज की बात करते हैं, जब शुभ कार्य की बात करते हैं, तो
तो आनंद आनंद और आनंद और आनंद की चरम परिणति होती है नृत्य नृत्य और नृत्य। और राजस्थानी जब लोक संगीत की बात करते हैं लोक नृत्यों की बात करते हैं दुनिया उसका लोहा मानती है। तो आइए हम आरंभ कर रहे हैं आज के इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को सुप्रसिद्ध नृत्य घूमर और लहरिया तालियां जोरों से बजाइए जोरदार। और आपसे अनुरोध कि आपको सभी को नृत्य करना है नृत्य में डूब जाना है। जोरों से तालियां बजाइए भारतीय नारी विश्व नारी नारी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए इन चार पंक्तियों को आप देखिए सुनिए और आपको यह बताना है वह कौन सा महाकाव्य है वह कौन सा महाकवि है जिसकी ये रचना है। बड़ा ही सरल सुने आप नारी तुम केवल श्रद्धा हो नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में विश्वास रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत से बहा करो पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में जीवन के सुंदर समतल में। बताएं उस कालजयी महाकाव्य का नाम जहां से ये पंक्तियां उद्धृत की गई है और उस महाकवि का नाम और जीते पुरस्कार। चलिए बताइए आप जयशंकर प्रसाद कामायनी उनकी उसका कृति का नाम कामायनी और महाकवि जयशंकर प्रसाद। शुभ नाम नॉर्थी चौधरी के लिए जोरदार तालियां बजाइए नॉर्थी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तालियां तो अब 80 रहनी चाहिए। देखिए कई रोचक चीजें होती है रोचक घटनाएं घटती है और घटती ही नहीं उन्हें घटाया जाता है क्योंकि एक विशिष्ट मंतव्य या उद्देश्य होता है। और देखिए
कितना महान उद्देश्य, बड़ा ही रोचक सवाल है। चीन के एक टीवी गेम शो में पुरुषों को लेबर पेन सिम्युलेटर द्वारा प्रसव पीड़ा का एहसास करवाया गया और जिसमें पिताओं ने यह महसूस किया, वे पिता वो थे जो पिता बनने वाले थे, कि मां को दर्द या प्रसव पीड़ा या वेदना कितनी होती है, जिस नारी को हम हे दृष्टि से देखते हैं वो कितना दर्द झेलती है। इस बात को रेखांकित करने के लिए, उन्हें बताने के लिए आपको ये बताना है कि इसमें किसकी महत्ता को रेखांकित करने के लिए ये गेम शो में किसकी महत्ता को ये बताना है और जीतना है पुरस्कार। महिला की प्रसव पीड़ा को नहीं, प्रसव पीड़ा तो महिला की नहीं, वो तो मैं बोल दिया। ठहरिए जी बोलिए आप। माँ की बात वही है, बस माँ। शुभ नाम? सुषमा। तो कहीं आप कोई मारवाड़ा रवनिया हो, कोई विशेष बात? हाँ सर, मैं मारवाड़ी रवन वाली हूँ। हाँ? और मैं दो पंक्ति भी बोलनी चाहूँ। कहने वास्ते माने मारवाड़ वास्ते, माने मारवाड़ मारो दे। ये आत्मीयता होनी चाहिए अपनी भूमि के लिए, अपनी जमीन के लिए। बोलिए आप। मारो देश मारवाड़, मारो देश मारवाड़, न कोई नदी न पहाड़, मारो देश मारवाड़, सब सू प्यारो 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 प्यारो, तीर कमान वालो मेवाड़ी आन वालो, मानो देश मारवाड़ सब सूट प्यारो 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 प्यारो, मेवाड़ी आन वालो मेवाड़ी शान वालो, वो मारो देश मारवाड़। जोरदार तालियां। देखिए माँ की महानता, और आपको मालूम होगा दुनिया भर में यह सर्वे करवाया गया कि सबसे श्रद्धा वाला शब्द या सबसे अधिक बोले जाने वाला, या जब शब्द को बोलते हैं तो इतनी आत्मीयता की प्रतीति होती है, उस शब्द को बताइए। तो शब्द आया दुनिया भर से माँ 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 माँ, और बाकी सभी शब्द किलोमीटर्स दूर थे। तालियां बजाइए माँ के सम्मान में। एक ही दिन में 363 पुरुष और महिलाओं ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। एक महान महिला के नेतृत्व में पर्यावरण की रक्षा के लिए, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की, पेड़ों को बचाने के लिए। आपको बताना है उस महान नेत्री का नाम और जीतना है पुरस्कार। चलिए 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 चलिए, खड़ी होइए आप। जी, अमृता देवी। अमृता देवी, इमरती बाई। तो और आप अमृता से इमरती क्यों? मैंने फिर पूछा तो इमरती देवी भी कहते हैं, इमरती बाई भी कहते हैं, मारवाड़ में इमरती और अमृता, वैसे दोनों बिल्कुल सही है। क्या शुभ नाम आपका? मृणमयी शर्मा। जी, मृणमयी शर्मा। क्या शुभ नाम है, जोरदार नाम है आपका। तालियां जोरों से बजाइए मृणमयी के लिए, जोरदार तालियां बजाइए। अब देखिए एक फिल्मी गीत आप सभी को झूमना है। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले लिए मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। Thank you.
देखिए अब बारी है एक नृत्य की। सवाल, पुरुष एक भारतीय विमानन कंपनी यानी एक इंडियन एयरलाइन है जिसने बड़ा शोध किया कि पैसा कैसे बचाया जाए और वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जहां तक संभव हो एयरक्राफ्ट में जो काम करने वाली महिलाएं हैं या पुरुष हैं अधिकतर महिलाओं को चयनित किया जाए, नौकरी पर रखा जाए, क्योंकि उनका वजन कम होता है, उससे माइलेज ज़्यादा मिलता है और करीबन प्रतिवर्ष $500,000 उन्होंने इस नवाचार से बचा लिए। आपको बताना है उस भारतीय एयरलाइन का नाम और जीतना है पुरस्कार। बताना है नाम और जीतना है पुरस्कार। खड़ी होइए आप। अरे वाह, तालियां तो पहले ही बजा रही हैं आप। उत्तर का पता नहीं है। हाँ साहब, उत्तर एयर इंडिया। एयर इंडिया, yes. ये लोग कहते हैं नो नो नो, सभी दुश्मन है आपके। एयर इंडिया ही है सर। पक्का? आपका शुभ नाम? आरती पाटनी। तालियां जोरों से बजाइए आरती के लिए। देखिए, कई सूक्तियाँ होती है, कई कोटेशन होते हैं जो वहाँ की जो संस्कृति होती है, विरासत होती है, उसका सटीक दिग्दर्शन करवाती है हमें। ऐसी ही एक सूक्ति सुने आप उसे, वेयर द विमन लव द मैन, वेयर द विमन लव द मैन एंड द मैन लव्ड ओनली फुटबॉल। आपको ये बताना है कि वो जगह कौन सी है, यानी जहाँ स्त्रियाँ पुरुषों को प्यार करती है और पुरुष प्यार करते हैं, पुरुष प्यार करते हैं सिर्फ फुटबॉल को। बताएं कौन सी जगह के लिए यह बात कही गई है। खड़ी होइए आप, खड़ी होइए। जी 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 जी, नाम है कोलकाता। कोलकाता, यस सर। शुभ नाम? गुलफशा चौधरी। गुलफशा चौधरी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, लिपस्टिक
फैशन समय के साथ साथ बदलता रहता है। शिमरी लुक देने वाली लिपस्टिक आउट ऑफ फैशन हो गई है, जबकि ग्लॉसी लुक वाली लिपस्टिक फैशन में है। बताएं आज के समय में लिपस्टिक चाहिए 9 to 9 शेड वाली, बताएं 9 to 9 शेड वाली लिपस्टिक ज़्यादा पसंद क्यों की जा रही है? जी खड़ी होइए मैम, आप जी जी मैम। सर ये लिपस्टिक इसलिए पसंद की जा रही है क्योंकि इसका शेड 8 से 10 घंटे तक टिका रहता है, लॉन्ग लास्टिंग और वर्किंग वुमेन के लिए अति आवश्यक है। आपका शुभ नाम? गरिमा मिश्रा। गरिमा मिश्रा जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। आप देखिए एक राजस्थानी नृत्य, रुणक झुणक पायल बाजे। जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में जब जयपुर आई सुप्रसिद्ध अभिनेत्री काजोल, तो उनसे पूछा गया कि आपके नाम का अर्थ क्या है। उन्होंने उसे परिभाषित किया। आपको बताना है कि काजोल शब्द का बंगाली में और हिंदी भाषा में क्या मतलब उन्होंने बताया। मैम खड़ी होइए आप। जी 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 बोलिए आप। सर जी सर हिंदी में तो बोलते हैं आंखों पे लगाने वाला काजल। हिंदी में तो आंखों में लगाने वाला काजल, और बंगाल में बोलते हैं आंकोर। सर बंगाली में आंख को बोलते हैं? नहीं आंकोर, आंख को। हाँ बोलते हैं, यही मैं कह रहा हूँ मैम। नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते बोलते हैं। शुभ नाम? डॉक्टर रेणु अरोड़ा। डॉक्टर रेणु अरोड़ा के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार। देखिए अब मेघमाला एंड पार्टी, तालियां जोरों से बजाइए इस नृत्य के लिए। देखिए चेहरे की त्वचा में कसावट लाकर उसमें कांति और निखार लाने के लिए हर्बल फेशियल, फ्रूट फेशियल, फ्लावर फेशियल, गैल्वेनिक फेशियल, चॉकलेट फेशियल,
तथा वाइन फेशियल आदि प्रचलन में है दुनिया भर में। हाल ही में जापान में वर्ल्ड ब्यूटी एग्जीबिशन में एक विशिष्ट प्रकार के फेशियल का प्रदर्शन किया गया। आपको ये बताना है कि ये कौन सा एंटी एजिंग फेशियल है, बताएं और जीते जिसकी दुनिया भर में धूम रही। चलिए खड़ी होइए आप जी। गोल्ड 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 फेशियल। शुभ नाम? मनोहर। मनोहर, तालियां जोरों से बजाइए। अब नृत्य करना है नगाड़ा संग ढोल बाजे। सवाल, दसवीं सदी में रोम के राजाओं के पास हीरे मोती पन्ना नीलम जड़ित शाही छाते थे। यहां पर दुल्हन को आवश्यक रूप से दहेज में छाता देने की प्रथा थी और उसका उद्देश्य क्या था, इसको रेखांकित कीजिए। क्या विचित्र परंपराएं हमको लगेगी। वो उद्देश्य ये था ताकि छाते की छांव तले अधिक बच्चों की वो मां बन सके, ये परंपरा थी। और छाता जो है वो दो यूनानी शब्दों से बना है, छा और ता। आपको बताना है छा का अर्थ क्या, ता का अर्थ क्या, और जीतना है पुरस्कार। खड़ी होइए आप जी। हाँ, छा मतलब तो सिर होता है और ता मतलब छाव होती है। छाव, छा मीन्स सिर और ता का मतलब छाव, छाता। शुभ नाम? दिव्या सिंह। दिव्या सिंह के लिए जोरदार तालियां बजाइए। जोरदार तालियां बजाइए दिव्या, जोरदार तालियां बजाइए। देखिए एक समाचार शीर्षक के, अब अधिक समय गुजारते हैं रसोई में पुरुष। ब्रिटेन में एक सर्वे किया गया। आपको यह बताना है कि उस सर्वे के अनुसार जो सुर्खियां बना, आम तौर पर औसत रूप से कितना समय पुरुष अब देते हैं रसोई में। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 1961 में जो शोध किया गया था उस समय औसत था 12 मिनट। अब आप अंदाजा लगाइए अब कितना समय औसत रूप से वो गुजारते हैं। मैम खड़ी खड़ी होइए आप जी। सर आधे घंटे से ज्यादा, आधा घंटे से ज्यादा, आधा घंटा, आधा घंटा। अब ज्यादा कभी थोड़ा एवरेज आउट है। शुभ नाम? ज्योति गौतम। ये आपकी भावना है कि वो थोड़ा ज्यादा काम करें। और देखिए इसका कारण ये है कि आजकल यूनिट फैमिली है, पति पत्नी दोनों काम अगर नहीं करेंगे, चाहे खाना बनाने का हो रसोई का हो, तो गाड़ी चल नहीं सकती।
पत्नी सुबह से शाम तक सारे काम करती है। क्या नाम है आपका? मिसेस ज्योति गौतम। तालियां बजाइए जोरदार तरीके से मैम के लिए, जोरदार तरीके से तालियां जोरों से बजाइए आप। और देखिए अब छठ चौमासो लागियो रे और गोरबंद। इतनी बड़ी संख्या में पधारते हैं, इतना समय देते हैं और इतने उत्साह का परिचय देते हैं, हम दूरदर्शन जयपुर की ओर से आपके आभारी हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो घर में शादी है, शादी का जो माहौल होता है और जिस प्रकार से खुशी का प्रकटीकरण या इजहार हम करते हैं, यानी रोम रोम झूम उठता है, वैसा ही प्रदर्शन आपने किया। नव वर्ष आपके लिए शुभ हो और आपकी जितनी भी महत्वाकांक्षाएं हैं जीवन में वो सभी आपका वरण करें। जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए आप, जोरदार तालियां।